एक दो तीन चार पाँच चटनी है पूरी। I don't think we got enough time to sort out all the fights, sort out all the lies. Oh baby, yeah. आज हम सब लोग ना रकाई खाना खाने वाले हैं। And still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. व्रत वाले दिन बनता है ढेर सारा खाना, जो कि मुझे तो जो डेली का खाना होता है ना उससे भी अच्छा लगता है। घर में सबको बहुत पसंद आता है। तो हम कुछ चीज़ें ऐसी कैसे बनाएं, खासकर फास्ट हो, जिस दिन व्रत हो, कि सबको वो बहुत ज़्यादा पसंद आए और हमारा दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक भी ना हो। यानी कि हम पूजा पाठ करना है या मंदिर जाना है या फिर कहीं और भी जाना है, तो हम थोड़ा सा कूल रह सकें। तो आज मैं आपको यही बता रही हूँ। जैसे कि महाशिवरात्रि अब आ रही है, तो उसकी आज के 2 दिन बाद, शायद हाँ 1-2 दिन बाद शिवरात्रि है। अब कुछ सामान तो मंगा सकते हैं हम पहले, और कुछ हमें सेम डे मंगाना पड़ता है। तो मैंने जो पहले वाला सामान है ना वो सारा मंगा लिया है। तो कुछ तैयारी हम पहले से कर सकते हैं, और कौन कौन सी हम डिशेस बना सकते हैं जो सबको पसंद आएंगी, वही आज के वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ साबूदाने को बिल्कुल सही तरीके से हम कैसे भिगोएं कि ये बिल्कुल भी चिपचिपा ना हो। तो देखिए, साबूदाने को सबसे पहले क्या करना है, हमें पानी से वॉश करना है कई बार, मतलब 3-4 बार, क्योंकि इसमें ना ऊपर एक कोटिंग होती है और उसी से ही चिपचिपाहट आती है जब हम इसकी कोई भी रेसिपी बनाते हैं। और इसको कई बार हमें वॉश करना है, 4 से 5 बार। 1-2 बार आप रनिंग वाटर में भी इसको अच्छी तरीके से धो लीजिए, और हमें तब तक इसको बार बार धोना है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल साफ ना हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, इसे बिल्कुल सोक नहीं करना है, अलग तरीके से सुखाना है। हमने इसमें से पानी छान लिया और इसको एक बड़े बर्तन में फैला लिया है, और इसमें अब हम डालेंगे ऊपर से पानी के छींटे। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है चिपचिपा बनेगा। बस हमें इसमें पानी के छींटे डालने हैं। और देखिए, इसमें मैंने इतना पानी डाला है कि जब इसे उठाया तो कॉर्नर पे बस इतना ही पानी आया है। अब हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे, लेकिन बीच बीच में इसे चेक करना है। जैसे अगर इसमें पानी बिल्कुल ना रहे, क्योंकि ये सोख करते रहते हैं, सोखते रहते हैं पानी को, तो दोबारा से ऊपर से इसमें पानी के छींटे डाल दीजिए। ऐसा करके हमें इसे करीब 5 से 6 घंटे तक बार बार चेक करते रहना है। देखिए इतना भिगोया है, तो 1/2 केजी तो जो आज मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ उसमें यूज करूंगी, और 1/2 केजी मैं रख दे रही हूँ ये फ्रिज में भर के एक कंटेनर में। इसकी पहचान ये है कि जब आप इसे दबाएंगे तो ये टूट जाता है इसका दाना, और इसे भर के किसी कंटेनर में आप फ्रिज में 1 वीक तक रख सकते हैं। व्रत में यूज होने वाले सेंधा नमक और कुट्टू के आटे को भी मैं किसी जो है एक्स्ट्रा जार में भर के रख देती हूँ। जब कभी भी आप कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा खरीदें, ध्यान रखिए कि ये क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हों, क्योंकि ये मार्केट में आपको डुप्लीकेट बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो मैंने सबको स्टोर करके इस तरह से रख लिया। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो है दही। दही मैं अपने दही मेकर में ही जमाती हूँ, और इसके लिए जो जामन होता है ना वो मैं फ्रेश मंगाती हूँ। व्रत में इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कहीं ऐसा ना हो जो पुरानी दही मेरे पास हो वो बच्चों ने झूठी कर दी हो। तो इस तरह से मेरी दही भी जम गई। अब जो रेसिपीज़ में यूज़ होंगी वो होंगी मूंगफली। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मूंगफली को भून के रख लेती हूँ। बिल्कुल बिना घी के मैंने इन्हें अच्छी तरीके से भून लिया है, और बिल्कुल इसी तरीके से जो समा के चावल होते हैं ना उनको भी भून लीजिए। ये करीब 2 से 3 मिनट में भुन जाते हैं, और मूंगफली को थोड़ा सा टाइम लगता है। ठंडा करने के बाद मूंगफली को थोड़ा हाथ से रगड़ के उसके छिलके उतार के या फिर ऐसे ही आप जो है इसे पीस लीजिए। और बिल्कुल इसी तरीके से चावलों को भी मैं पीस लूँगी जो समा के चावल होते हैं। और ये दोनों ही चीजें बहुत सारी रेसिपीज में यूज होती हैं, केवल व्रत की रेसिपीज में नहीं, ये और भी जो रेसिपी होती है ना उनमें मैं यूज करती हूँ। तो ये भी मेरी तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे नमकीन आलू की और मूंगफली की। इस नमकीन को बनाने के लिए हमें आलू लेने हैं 4 से 5, अच्छी तरह से पील करके उन्हें पानी में डुबोना है। दूसरे बड़े बोल में हमने लिया पानी और लिया कद्दूकस। इसे हमें ऐसा कसना है आलू को जिससे कि थोड़े मोटे कसें, यानी कि कद्दूकस हमें मोटा लेना है, बिल्कुल भी पतले वाले आपको लच्छे नहीं बनाने हैं, नहीं तो ये अच्छी तरीके से नमकीन हमारी नहीं बनेगी। अब इन लच्छों को हमें सुखाना है और सुखाने के लिए हमने क्या किया, इसका पानी निकाला और एक टॉवल पे रख के हम इसको धूप में करीब 2 से 3 घंटे के लिए सुखा लेंगे। उसके बाद इसमें एक बहुत अच्छा करारापन आ जाता है और फिर हम इनको डीप फ्राई करेंगे धूप में सुखाने के बाद। अगर आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे तो ये आपस में चिपक जाते हैं और नमकीन अच्छी नहीं बनती है। जब हम आलू को डीप फ्राई करेंगे तो बस हमें सुनहरा होने तक ही इनको फ्राई करना है और उसी से ही इनमें करारापन आ जाएगा। और उसके बाद जैसे 4-5 आलू के लिए मैंने ली 1 कटोरी मूंगफली और इनको भी डीप फ्राई मैंने कर लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें मिक्स कर लेंगे, डालेंगे काली मिर्च और सेंधा नमक, चाहे तो तला हुआ करी पत्ता भी डाल लीजिए और एक बहुत ही बढ़िया व्रत की नमकीन आपकी तैयार है। अब एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है साबूदाना बड़ा बनाने की। 4-5 उबले आलू लिए, इन्हें अच्छे से मैश करा और इसमें डाली बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इनके बाद हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर और सेंधा नमक डाल लिया और जो हमने मूंगफली का पाउडर बनाया है वो भी एक जो है कटोरी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक बड़ा कटोरा मैंने इसमें भर के डाल दिया, वही भीगा हुआ साबूदाना जो कि मैंने भिगोया था। अच्छी तरीके से मैश करने के बाद, मिक्स करने के बाद इसके कुछ इस तरीके से हमने जो है रोल बना लिए हैं, मतलब टिक्की सी बना ली हैं। और इनको जो चावल का आटा हमने बनाया है समा के चावल का, उसमें लपेट के हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। जल्दी जल्दी नहीं चलाना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाते हैं। और देखिए कितने ही बढ़िया ये जो है तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस तरह से एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया, आसान और जल्दी बनने वाली ये व्रत की एक रेसिपी है। और अब हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल लिया और इसमें करीब 1 कटोरी मैंने मूंगफली थोड़ी सी रोस्ट कर ली है। बढ़िया तरह से रोस्ट होने के बाद इसमें उबला कटा आलू और थोड़ी सी हरी मिर्च, 1 आलू मैंने लिया है और इनको भी अच्छी तरह से भून लिया है बढ़िया तरह से। सेंधा नमक और इसमें डाला काली मिर्च का पाउडर, इनको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और जो हमने मूँगफली का पाउडर बनाया है ना, अब इसमें हमें वो मूँगफली का पाउडर भी ऐड करना है। और ये मैंने ले लिया 1 कटोरी। बहुत बढ़िया टेस्ट इससे आता है, देखिएगा जरूर बनाकर। इनको अच्छी तरीके से मिक्स किया और अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। 1 पूरे नींबू का रस इसमें निचोड़ दिया है और 1 कटोरी मैंने इसमें डाल दिए हैं साबूदाने भीगे हुए जो कि तैयार हमने कर रखे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करिए, तब तक चलाइए जब तक कि साबूदाना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। देखिए बिल्कुल भी ये मेरी खिचड़ी चिपकी नहीं है, बढ़िया बनी है। अगर आप इस तरीके से साबूदाने को भिगोएंगे तो हमेशा ऐसे ही बनेगी। और मीठे के बगैर तो हर चीज अधूरी लगती है। तो मैं बना रही हूँ खीर, तो दूध चढ़ा दिया है मैंने गाढ़ा होने के लिए और मैं थोड़े से मखाने भूनूंगी। जब मेरा दूध उबल गया ना अच्छी तरह से, तो इसमें मैंने पिसे हुए चावल डाले हैं करीब आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा। 1 लीटर दूध है और ये अच्छी तरीके से हमें चलाना है। और इसमें मैंने ना केसर भी भिगो के रख दी है तो वो केसर भी डाल दूंगी और इसे हमें कम से कम 10 से 15 मिनट इसी तरीके से बॉयल होने देना है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि आप व्रत के अलावा भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल फिरनी जैसी ये लगती है खाने में। और ये मैंने मखाने थोड़ा सा घी डाल के भून लिए हैं जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए बढ़िया तरह से। और देखिए अब ये मेरी खीर भी लगभग तैयार हो गई है। और जो ये अब हमने ये जो मखाने हमने भूने हैं ना, इन मखानों को अब हमें अच्छी तरीके से कूट लेना है, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा दरदरा सा हम इसे कूट लेंगे और हम अपनी खीर में जो हमारी बन रही है उसमें मिला देंगे। 10 से 15 मिनट इसे उबलने के बाद, करीब 10 मिनट बस। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी ली है मैंने 1 कटोरी और ये हमारी एक बहुत ही टेस्टी खीर तैयार है। इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स, जरूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और फाइनली अब मैं बना रही हूँ सब्जी, दही वाले आलू और फिर बनाऊंगी पूरी। दही वाले आलू तो मैं वैसे भी बनाती हूँ, थोड़ी और चीज़ें डालती हूँ। तो मैंने लिया थोड़ा सा घी, इसमें डाला जीरा। जब जीरा भुन जाएगा तो हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। हरी मिर्च जब भुन जाएंगी तो हम इसमें डालेंगे उबले हुए कटे हुए आलू, जो कि मेरे करीब 2 आलू थे, और इनको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुन जाएंगे तो डाली थोड़ी सी काली मिर्च और वही सेंधा नमक हम इसमें डालेंगे और उसके बाद इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि आलू में ये सारे मसाले मिक्स हो जाएं। थोड़ी सी दही, करीब 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें दही डाली है, थोड़ा चलाया, लगातार अब इसे चलाते रहना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी, जितनी भी आपको ये पतली बनानी हो उतना पानी डाल दीजिए। ऊपर से डालिए हरा धनिया और उबलने दीजिए इसको। एक बहुत ही टेस्टी बढ़िया दही वाले आलू रेडी हैं। ये तो आप बिना व्रत के भी बनाएंगे ना तो आपको बहुत खाने में अच्छे लगेंगे। और अब हम बनाएंगे आलू की पूड़ी, और वो भी कूटू के आटे की। मैंने करीब 2 कटोरी से थोड़ा सा कम कूटू का आटा लिया है और उसमें एक बड़ा उबला आलू अच्छी तरीके से मैश करके मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका डो प्रिपेयर करेंगे, और बहुत पतला डो हमें प्रिपेयर नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से करिए। और सिंपल जैसे पूड़ी बेलते हैं, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के पूड़ी बना लीजिए। ये पूड़ी भी अच्छी लगती हैं, खस्ता सी रहती हैं। एक जो व्रत की थाली होती है ना, वो पूड़ियों के बगैर जो है खाली रहती है। और अब जो लास्ट में बारी आई चटनी, बहुत तरीके की चटनी बन जाती है। मूंगफली जो हमने पीसी है उसकी, कोकोनट की। और अब मैंने क्या किया, धनिया में थोड़ा सा मिर्च डाल दी है, दही डाल दी है, जीरा डाल दूंगी इसमें, और उसके बाद इसे पीस लूँगी। इसमें जो मूंगफली पीसी है ना उसे भी ऐड कर दीजिए, अच्छी लगती है। अगर दही कम लगे तो दही और नमक लास्ट में ऐड कर दीजिए। नींबू डालना चाहे तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, और बहुत बढ़िया चटनी रेडी है। और हाँ, अब हमारे जो वड़े हैं ना, जो हमने साबूदाना वड़ा बनाया है, उनके साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। दही के साथ इसको डाल दीजिए। आप रायता वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये हो गई व्रत की पूरी थाली तैयार। देखिए इसमें ना कितनी डिश हैं, 1 2 3 4 5 रेसिपीज हैं, चटनी है और क्या है, और है पूड़ी। देखो बहुत टेस्टी लगेगी। व्रत का खाना हमेशा बहुत अच्छा लगता है ना। और इसमें से एक रेसिपी बनाना ट्राई करना, अच्छी बनेंगी, बिल्कुल सिंपल रेसिपीज हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है ना तो एक लाइक जरूर करना। मेरी कढ़ाई अभी चल रही, मुझे पूड़ियां सेकनी है। लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। अब लेके जा रही हूँ मैं थाली। सबसे पहले दूंगी करण को, करण खाएगा क्योंकि शानू तो है नहीं, फिर हम खाएंगे। तो ये खाएगा करण, बढ़िया सी थाली, खुश हो जाएगा वो। करण आओ बेटा।